हेलो एंड वेलकम टू टेक इन फॉर वाईटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है स्टैटिक पेजेस क्रिएट किया था, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड पॉलिसीज। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और नैव बार ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये टॉप नैव बार सिर्फ जो है डेस्कटॉप व्यू के लिए रखेंगे हम, और इसके बाद में जो नैव रहेगा उसमें हमारा जो है लोगो रहेगा और कार्ड और लॉग इन रजिस्ट्रेशन का बटन रहेगा। तो ये वाला मेन हमारा मोबाइल के लिए रहेगा। तो आप क्या करें, रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर जाए और यहाँ पर सर्च करें नैव बार। जैसे नैव बार सर्च करेंगे तो नीचे आपको रिस्पॉन्सिव नैव बार के लिए कोड मिल जाएगा, जैसे कि रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर ले आप। कॉपी करने के बाद आप क्या करें, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लें। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और सवाल या सुझाव है तो नीचे जरूर कमेंट करें। तो आपको क्या करना है, वापस से जाना है सोर्स फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पर न्यू कंपोनेंट फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम आप रख सकते हैं नैव बार डॉट जेएसएक्स या फिर जेएस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में रिएक्ट का कोड चलता है। और इसके बाद में आपको लिखना है RAFCE, यानी कि रिएक्ट का जो है फंक्शनल कंपोनेंट हम यहाँ पर बना रहे हैं। और सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म कर देंगे तो इस डिप को कट कर ले। एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग जो है रिएक्ट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म है फ्रेगमेंट का। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है सिंपली नैव बार को, और इंपोर्ट भी करना पड़ेगा हमको सबसे पहले नैव बार को। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से हमको इंपोर्ट करना है। और क्या क्या चीजें लगेंगी, जैसे कि नैव बार और फिर नैव है, ड्रॉप डाउन तो नहीं चाहिए हमको, तो इस ड्रॉप डाउन को आप यहाँ से क्लोज कर दें। और साथ ही में सेकंड वाला नैप भी हमको नहीं चाहिए, इसको भी आप कट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर लें आप नैप बार, फिर इसके बाद में है नैप, और फिर कंटेनर भी अगर हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो कंटेनर, क्योंकि ये वाला जो है हम इसको कंटेनर के अंदर कर देंगे कंटेनर, या फिर अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, हम बाद में इसको फिक्स कर लेंगे। ऑलरेडी ये कंटेनर है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंटेनर डिफाइन है, तो इतना काफी है। इसको आप क्या करें, सेव कर ले। सेव करने के बाद एक बार इसको चेक कर लेते तो ऐप बार में जाए और टॉप बार के नीचे आप क्या करें, इसको पेस्ट कर ले। तो नैव बार, तो सजेशन में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्लाइंट सोर्स कंपोनेंट, तो इसको क्लिक करें तो यहाँ पर ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। और इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद चलते वापस ब्राउजर पर और हमारे एप्लीकेशन पर, तो देखिए यहाँ पे परफेक्टली आ रहा है एयर बूटस्ट्रैप फीचर्स, तो इसको भी हमको चेंज करना है। तो चलिए कहाँ है नैव बार, इसका देखिए वेरिएंट डार्क है ना, तो इसको हम कर देंगे लाइट, और इसको भी हम क्या कर देंगे लाइट। तो ये लाइट सा दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए था हमको। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ लिंक कंटेनर का भी इस्तेमाल करना है हमको। तो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप, और यहाँ से हमको चाहिए लिंक कंटेनर। इस नैव लिंक को हम क्या करेंगे, रैप कर देंगे लिंक कंटेनर से। तो यहाँ पे आपको लिखना है लिंक कंटेनर, इसके अंदर टू की प्रॉपर्टी है, और सबसे पहले रहेगा लॉगिन पेज के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कट कर देंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। और फीचर्स के बदले आपको लिखना है लॉगिन, और HRF को आप यहाँ से रिमूव कर दें। सेम इसी तरीके से हमको क्या करना है, मैं इसको भी क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, और ये वाले को हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। और लॉगिन के बदले हमारे पास रहेगा ये कार्ड, और यहाँ पर कार्ड, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए लॉगिन एंड कार्ड। और हम क्या करेंगे, इसको जो है मार्जिन स्टार्ट को जो है ऑटो कर देंगे, राइट इन साइड पर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लोगो को ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, बूटस्ट्रैप का इमेज टैग यूज करना है, तो इमेज, और कहाँ पर हमारे पास ब्रांड है ना, तो ब्रांड के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर जो है इमेज यूज करेंगे। इस HRF को भी आप रिमूव कर दें, इमेज टैग ले लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे आपको सोर्स डिफाइन करना है, तो सोर्स हमारे पास ऑलरेडी है, जैसा कि पब्लिक पर क्लिक करेंगे तो इमेजेस के अंदर मेरे पास लोगो की फाइल है, इमेजेस, इमेजेस के अंदर लोगो डॉट png, तो इमेजेस उसके अंदर है लोगो डॉट png। और यहाँ पे ऑल्ट में हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं लोगो, इसको सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमको लोगो नजर आएगा, और आप चाहे तो इमेज का साइज भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इनलाइन स्टाइल का आप इस्तेमाल करें, स्टाइल, और इसकी हाइट आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम कितने कर देते हैं 80 पिक्सल, ठीक रहेंगी, चेक कर लेते एक बार, हाँ इतना काफी है आई थिंक।
अगर आप फिर भी आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो करिए, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा एडजस्ट करने। तो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है लोगो और लॉगिन कार्ड बटन यहाँ पर हमारा आ चुका है, तो इसकी राउटिंग भी आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमको अभी पेजेस क्रिएट करना है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं क्या करता हूँ इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ, इसको 50 पिक्सल सेफ, इतना काफी है आई थिंक, ये भी ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।